अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पर जी ये मैंने लिए हैं दाल, इसको हम दाल मखनी भी बोल सकते हैं और हम इसको काले जो माँ है वो भी बोल सकते हैं। इसको मैंने 2 कप लिया, आप लोगों को जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है आप लोगों ने लिया। इसको मैंने 2 से 3 टाइम टैप वाटर से वॉश किया है, 1-2 दफ़ा मैं आपके सामने वॉश कर लेती हूँ। अच्छे से भिगोए नहीं है और मैं इसको डायरेक्ट चूल्हे पर चढ़ाऊँगी। अच्छे से धोना है इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। पहले मैंने काफ़ी अच्छे से धो लिया, लेकिन एक दफ़ा फिर ये देखें जितना हम लोग धोए जाएंगे मिट्टी निकल ही जाती है। और इसको अच्छे से हम लोगों ने चुन लेना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रोड कंकड़ वगैरह होते हैं। अब इसको एक देचके में शिफ्ट किया, ठीक हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, यह है लहसुन और अदरक का पेस्ट और एक टमाटर है, इसको मैंने पेस्ट बना लिया। 1 इंच का मैंने लिया है अदरक और एक जो फूल होता है ना लहसुन का वो लिया। स्पाइसेस में मैं ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून ऐड की है और भर के 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और एक और भर के, ठीक है। इसमें अब ये ऐड होगा खुला पानी, पतीली भर के मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये पहले इस मिक्सचर में स्पाइसेस और ये जो लहसुन अदरक और टमाटो हैं इसमें बॉईल होंगे। फिर मैं इसमें आप लोगों को प्रोसीजर बताऊँगी कि हम लोग इसको किस तरह से दाल मखनी बना सकते हैं। और बाजारी स्टाइल में जो कहते हैं ना कि दाल मखनी वो यूजली इस दाल से बनती है, तो मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया और इस तरह से ऐड किया और ये अच्छे से कुक होंगे, बॉईल होंगे। तकरीबन 1 घंटा लगेगा क्योंकि मैं कुकर नहीं लगाती, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो उन सबको पता है। चलें जब हम इसको दम पे रख के चलते हैं। जी आप लोग देख सकते हैं दाल की ये कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल अच्छे से खिल गए हैं और ये रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी होममेड बटर, क्योंकि दाल मखनी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस ये बटर में बनती है। मैं इसमें ऐड करी 2 टेबलस्पून के करीब होममेड बलाई जो दूध के ऊपर से उतरती है, ठीक है। ये देखें नमक मिर्च आप लोगों ने स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्चें, 4 अदद साबुत मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी। यहाँ पर जी मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब लिया है देसी घी, आप लोग बटर भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने जीरा और जूलियन कट की हुई अदरक ऐड किया, अदरक को मैंने जलाना नहीं, जस्ट थोड़ा सा फ्राई करना है और फिर मैंने दाल में इसको ऐड कर देना। जी दम लगा के इसको मैंने कवर कर दिया था, अब मैंने इसका दम खोला है और अभी भी मैंने फ्लेम बंद नहीं किया। बहुत ही अच्छी जो है ना दाल मखनी हमारी रेडी हो गई है। और ये अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, इसको मैं पानी में डिप करके रखती हूँ, सारी मिट्टी जो है नीचे बैठ जाती है और बेहतरीन सी हमारी ये दाल मखनी रेडी है। ये देखें